हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा माइक्रो एक एयर के ऑप्टिकल फ्लो सेंसर के कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। तो पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसका जो ऑप्टिकल फ्लो रहेगा वो टू वर्ड्स जो रहेगा, ये मेरा कैमरा है और जो ऑप्टिकल फ्लो का जो सेंसर है वो हमारा रहेगा फ्रंट साइड को, और जो हमारा लीडार है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लीडार और दोनों में। तो हमारा ये जो ऑप्टिकल फ्लो है ये ऑप्टिकल फ्लो रहेगा हमारा टूवर्ड्स कैमरे की तरफ, और ये जो लीडार है ये रहेगा हमारा बैक की तरफ, मेरा जीपीएस की तरफ। तो इसको आपने इस तरीके से लगाना है, और अगर आप इसको आई डायम में लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लीडार जो है ये आपको फ्रंट में आ जाएगा और ऑप्टिकल फ्लो बैक में चला जाएगा। तो चलिए अब सिस्टम पे चलते हैं। तो क्या पैरामीटर्स रहेंगे इस ऑप्टिकल फ्लो सेंसर के लिए, तो उन पैरामीटर्स को मैं आपको आज बताता हूँ, और इसको भी आप ट्राई करें। लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा है मीटर ऑप्टिकल फ्लो का, और ऑलमोस्ट जो इसके पैरामीटर्स हैं ऑडियोकॉप्टर के अंदर थोड़ी सी ही चेंज हैं, 3-4 पैरामीटर चेंज हैं, बाकी आपको सेम वही पैरामीटर्स डालने हैं जो मैंने मेटेक का ऑप्टिकल फ्लो सेंसर यूज़ किया था ऑडियोकॉप्टर में। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको पैरामीटर्स की डिटेल दे रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम पे, इस सेंसर से रिलेटेड बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने सिस्टम पे आ गए हैं। मैंने अपना जो क्वाड है वो मैंने कनेक्ट कर लिया है, और मैं बता देता हूं एक चीज इसके अंदर, माइक्रो एयर से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि माइक्रो एयर का हमारे को ऑप्टिकल फ्लो जो सेंसर है वो मेटेक से डिफरेंस कैसे है। वो इस तरह से है कि अगर हम लोग माइक्रो एयर को लगाते हैं तो माइक्रो एयर का जो रेंज है लीडार की वो 8 मीटर्स है, 8 to 7 मीटर्स रेंज है। उतने तक भी अगर आप फ्लाई करें तो लीडार उसका जो है काम करेगा। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि माइक्रो एयर इंडिया में, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि माइक्रो एयर इंडिया में मुझे नहीं मिला था, तो मैंने रोबो फ्यूजन साइट से मंगवाया था, जो हांगकॉन्ग की साइट है, चाइना बेस्ड ये कंपनी है। तो मुझे 2200-2300 रुपये में ये मिल गया था, और इजीली मेरे पास ये जो है इंडिया में डिलीवर हो गया था 10 से 12 दिन के अंदर। तो ये तो रहा माइक्रो एयर से रिलेटेड। और दूसरा थोड़ा सा इसको अभी हमें जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि माइक्रो एयर का एक माइक्रो एयर असिस्टेंट भी आता है। ये माइक्रो एयर को जब आप सर्च करेंगे गूगल पे माइक्रो एयर, तो ऑप्टिकल जो उसका सेंसर है, तो आपको इसकी साइट मिलेगी जहाँ पर आपको ये माइक्रो एयर असिस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको पहले जो अपना सेंसर है वो अटैच करके आपको इसका प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेगा। तो इस पर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोटोकॉल चेंज करना है, क्योंकि INAM में जो प्रोटोकॉल चलता है सब जानते हैं कि MSP चलता है, और यहाँ जो प्रोटोकॉल चलता है मोस्टली मैवलिंक चलता है। तो इसमें आके आप जो है आप अपना प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। और वैसे आप ऑर्डर जब करेंगे माइक्रो एयर का, तो आप वहां से भी ऑर्डर पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो प्रोटोकॉल है वो मैवलिंक चाहिए या ऑडियोकॉप्टर चाहिए या INAM चाहिए, तो वो वहां से उसी तरह से फिटेड हो के आता है। और अगर आपको चेंज करना हो तो बहुत सिंपल सा है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको सेंसर को आप उसका प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं MSP INAM के लिए, और मैवलिंक आपको चाहिए इसके लिए। तो चलिए अब इसको इधर से हम चलते हैं, हटते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने पैरामीटर्स पे। तो पैरामीटर्स में आप लिखेंगे पहले सीरियल 3, क्योंकि हमने सीरियल जो है RS3 यूज़ किया है, तो हम सीरियल 3 करेंगे। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि सीरियल 3 बॉड रेट 115 है, तो ये 115 ही रखना है आपको इधर भी। और सीरियल 3 ऑप्शन 0 है, डिफॉल्ट भी 0 ही है, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे उस वाले वीडियो पे। और सीरियल 3 प्रोटोकॉल वहाँ हमने 32 किया हुआ है, तो यहाँ हमने कर दिया है 1, तो आपको यहाँ 1 करना है। तो 1 का मतलब होता है मैवलिंक, आपने सेव राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर देना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फ्लो टाइप पे, ये कुछ पैरामीटर जो हमें चेंज करने हैं। तो फ्लो उसको टाइप, तो फ्लो टाइप हमने वहां पर किया हुआ है, अगर हम वहां जाए देखते हैं तो हमारा वहां फ्लो टाइप है 7, ये है 7, और
हम यहां पर जब आएंगे तो हम फ्लो टाइप करेंगे 5 5 है मैवलिंक राइट पैरामीटर, तो ये पैरामीटर डन हो जाएगा यहां पे। फिर अब हम करेंगे इसको रेंज आर एन जी रेंज एफ एन डी वन वन रेंज फाइंडर वन टाइप रेंज फाइंडर वन सॉरी यहां थोड़ा सा गलत हुआ है ये रेंज फाइंडर वन उसको टाइप। तो ये है 10, तो 10 करेंगे तो ये मैवलिंक है। और अगर हम आपको वहां दिखाऊं तो ये रेंज फाइंडर आपका है रेंज फाइंडर टाइप, ये आपका कहाँ है, ये है रेंज फाइंडर मैक्सिमम ओरिएंटेशन रेंज फाइंडर टाइप, ये है रेंज फाइंडर टाइप जो हमने किया 32। तो 32 का मतलब होता है एमएसपी। और अगर हम आते हैं अपने मिशन प्लानर पे तो ये हमने किया है 10, ये हो गया मैवलिंक राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर आपका यहाँ से डन हो जाता है। तो अभी हमने कर दिया 5 पैरामीटर्स को, सीरियल 3 बॉड, सीरियल 3 ऑप्शन, सीरियल 3 प्रोटोकॉल, फ्लोट टाइप, रेंज फाइंडर टाइप। अब हम करेंगे रेंज फाइंडर मैक्सिमम सेंटीमीटर, तो रेंज फाइंडर हमारा आएगा MAX सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हमने 800 किया हुआ है 800, आप इसको 700 कर लीजिएगा। और फिर आपको राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, और वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ रेंज यहाँ पर हमने किया हुआ है 120 1.2। तो यहाँ पर क्योंकि उसकी लीडार कम रेंज है तो हमने यहाँ 120 किया हुआ है, और यहाँ पर हमने करना है मैंने वैसे 800 किया हुआ है, आप 700 कर लीजिएगा, डिफॉल्ट भी 700 ही रहता है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम। फिर आएगा हमारा मिनिमम, मिनिमम में आपका आएगा 1। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने हमने एफपीवी बनाया तो हमने 1 रखा है, अगर मैं इसको वैल्यू बढ़ा दूंगा तो वो आम नहीं होगा क्योंकि हमारा सेंसर नीचे से रीडिंग नहीं लेगा और वो पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा, फ्लाइट कंट्रोलर हमारा लॉक रहेगा, आम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर 1 करना है, आपको मेटिक पे भी 1 करना है। और अगर आपने इसको बड़े क्वाड पे लगाया जिसकी हाइट जिसमें नीचे लेग्स आती हैं और हाइट अगर 6-7 इंचेस है तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने स्केल से आपने सेंसर को नाप लेना है ग्राउंड लेवल से और यहाँ पर वो सेंटीमीटर डाल देना है, सेंटीमीटर स्केल का सेंटीमीटर यहाँ डाल देंगे तो वो इजिली आम हो जाएगा क्योंकि सेंसर को देखने के लिए नीचे मार्जिन चाहिए होता है। इसलिए ये वैल्यू यहाँ मैंने रखी है 1, तो क्योंकि हमारा एफपीवी है तो ये यहाँ पर ही आपको राइट पैरामीटर से पैरामीटर कर देना है। और अभी आपका आ जाएगा रेंज फाइंडर ओरिएंटेशन, तो ये 25 ही रहेगी और डिफॉल्ट भी 25 है और ये भी 25 रहेगी। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर आपको और कुछ चेंज नहीं करना। हाँ, इसमें चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आप देखते हैं ये देखें आप फ्लो FX स्केलर -800 और फ्लो FY स्केलर -800, ये चाहें तो आप पैरामीटर लिख सकते हैं और चाहे ना लिखें। मैंने ये पैरामीटर माइक्रोएयर के अंदर नहीं यूज़ किए हुए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, तो ये नहीं लिखना। और आपको ये जितने पैरामीटर्स हैं आपका ये सब आपको सेम टू सेम जो है आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे ये मेटेक के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो अभी आपको मैंने सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं और जितने भी पैरामीटर्स, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनका आम नहीं हो रहा था मेटेक के अंदर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ वो 100% टेस्टेड होते हैं क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को मैं कभी ऐसे अपलोड नहीं कर रहा कि मैंने पैरामीटर्स लिख दिए और आपको दे दिए, मैंने वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाया और आपको दे दिए। 101% ये टेस्टेड पैरामीटर्स होते हैं, जब मैं पूरा टेस्ट कर लेता हूँ क्वाड को तभी मैं ये आपको पैरामीटर देता हूँ। अगर ये पैरामीटर्स आप बिल्कुल डालेंगे और आप कैलिब्रेट करेंगे ऑप्टिकल फ्लो को, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो डाला हुआ है तो वो ज़रूर देखें आप वीडियो, मैं सारे लिंक डाल दूंगा अब इस वाले वीडियो में, क्योंकि कैसे कैलिब्रेट करना है और क्या पैरामीटर्स हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 100% ये पैरामीटर डालने के बाद आप चाहे मीटेक का लगाएं चाहे माइक्रोएयर का लगाएं, आपने वीडियो देखे हैं मैंने फ्लाई करके दिखाया हुआ है लास्ट वीडियोस के अंदर भी कि बहुत स्टेबल फ्लाइट है इनकी। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है ये कैसे आम होता है और कैसे एक्टिवेट होता है।
अगर आपको लगता है कि ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है आपका सेंसर, तो आप एक काम करें, आप इसको पहले ऑल्टीट्यूड होल्ड पे फ्लाई कर लीजिए, या लोइटर मोड पे जीपीएस पे ले जाकर जीपीएस पे और फ्लाई कर लीजिए, फिर आप उसको कहते हैं लेके आइए ऑप्टिकल फ्लो पे, तो ये एक हाइट पे जाएगा तो अपनी रीडिंग्स नीचे से ले लेगा, तो वहाँ जब जैसे आप ऑप्टिकल फ्लो पे लाएंगे तो तब भी आप उसको स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपका ग्राउंड लेवल पे आम ना हो रहा हो तो आप इसको किसी और मोड पे फ्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसको फ्लाई कर लीजिए लोइटर पे फ्लाई कर लीजिए, चाहे आप जीपीएस पे फ्लाई कर लीजिए, चाहे स्टेबलाइज मोड ऑल्टीट्यूड होल्ड पे फ्लाई कर लीजिए। लोइटर पे आपको जीपीएस पे करना पड़ेगा, तो आप पहले उस पर कर लीजिए, ऑप्टिकल फ्लो से निकल के आप एक लेवल पर हाइट पे आ जाइए, फिर आप ऑप्टिकल फ्लो की तरफ स्विच को डाउन कर दीजिए लो पे, तो आपका ऑप्टिकल फ्लो पे ये आपका ऑन हो जाएगा और फ्लाई हो जाएगा और स्टेबल भी हो जाएगा। तो ये रहे पैरामीटर्स, इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ मुझसे पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मोस्टली सारे पैरामीटर हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर हैं, तो मैं वहाँ से वो आपको लिंक दूंगा, तो आप वो वीडियो या तो देख लें, तो बेस्ट ये है कि आप कैलिब्रेशन का वीडियो देखें और उसके बाद इसके पैरामीटर्स का वीडियो देखें जो मैं दूंगा। जो नए पैरामीटर्स माइक्रोवेयर के लिए हैं वो मैं पैरामीटर इस पे वाले वीडियो में डाल दूंगा। तो ये आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, अगर कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।